नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं ESPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। देश के गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की तारीफ ने की है। जी हां, विश्व बैंक ने उनकी तारीफ की है। भारत ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और देश की 80% आबादी तक बिजली पहुंच गई है। विश्व बैंक की तरफ से इस हफ्ते जारी रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2010 से 2016 के मध्य भारत ने हर साल 3 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई। देश के गांव में बिजली पहुंचाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की तारीफ विश्व बैंक ने की है। विश्व बैंक ने कहा, भारत ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और देश की 80% आबादी तक बिजली पहुंच गई। विश्व बैंक की तारीफ से इस हफ्ते जारी रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2010 से 2016 के बीच भारत ने हर साल 3 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराई। विश्व बैंक की लीड एनर्जी इकोनॉमिस्ट विवियन फोस्टर ने कहा कि भारत की 15% जनसंख्या अभी बिजली के पहुंच से दूर है। फोस्टर ने कहा, पूरी दुनिया के विद्युतीकरण के 2030 के लक्ष्य तक भारत शेष आबादी तक भी बिजली पहुंचाने में कामयाब रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, बांग्लादेश और केन्या में विद्युतीकरण की गति भारत के मुकाबले अधिक है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब एक हफ्ते से भी कम समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा की थी। गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के बाद अब मोदी सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही सौभाग्य योजना में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। मोदी सरकार में जिस तरह से घोटाले के मामले देखने को मिले हैं, उससे देश को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि बैंकों में पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 23,000 बैंकों के धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। सूचना के अधिकार RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा कि अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2018 तक 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। घोटाले पर घोटाला और इस बार का घोटाला महाकाला। देश में लगातार घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है इन घोटालों से देश को कितना नुकसान पहुंचा है? तो बता दें कि बैंकों में पिछले 5 साल से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 23,000 बैंकों के धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। सूचना के अधिकार RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2018 तक 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। वहीं साल 2016 से 17 में आंकड़ा 5,000 से अधिक था और केंद्रीय बैंक के अनुसार 2013 से 1 मार्च 2018 के दौरान 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बैंक धोखाधड़ी के कुल मामले 23,886। RTI से मिले जवाब के अनुसार इस मामलों में 1,17,000 करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई है और ये आंकड़े इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां CBI और प्रवर्तन निदेशालय कई बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ का घोटाला भी शामिल है और इस घोटाले का सूत्रधार नीरव मोदी और उसका मामा गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक मेहुल चौकसी है। बता दें, देश में हुए इन घोटालों से काफी नुकसान हो गया क्योंकि देश का पैसा इस तरह से पहली बार कोई सेंध मार के ले गया है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए कंपनियां कई तरह के दांव पेंच लगा रही हैं। जानकारों की माने तो फ्लिपकार्ट को खरीदने की दौड़ में अमेरिका का रिटेल ग्रुप वॉलमार्ट सबसे ऊपर है। दूसरी ओर अमेज़न ने भी फ्लिपकार्ट पर कब्जा करने के लिए 60% शेयर खरीदने का प्रस्ताव सामने किया। माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सचिन बंसल को कंपनी के CEO पद से हटाया जा सकता है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए कंपनियां कई तरह के दाव पेंच लगा रही हैं। जानकारों की माने तो फ्लिपकार्ट को खरीदने की दौड़ में अमेरिका का रिटेल ग्रुप वॉलमार्ट सबसे ऊपर है। दूसरी ओर अमेज़न ने भी फ्लिपकार्ट पर कब्जा कायम करने के लिए 60% शेयर खरीदने का प्रस्ताव सामने किया है। माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सचिन बंसल को कंपनी के CEO पद से हटाया जा सकता है और वहीं वॉलमार्ट का कहना है कि फ्लिपकार्ट डील दुनिया में उसकी ओर से की गई सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील होगी। हालांकि वॉलमार्ट को सॉफ्ट बैंक की ओर से जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सॉफ्ट बैंक चाहता है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न का आपस में विलय। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ने मिलकर 5 सितंबर 2007 को फ्लिपकार्ट के नाम से अपनी कंपनी खोली और इससे पहले भारत में ऑनलाइन साइट केवल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे लेती थी जिस पर लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। अब आपको दिखाते हैं ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल
शादी के लिए लड़का ढूंढ रही ज्योति नाम की लड़की ने फेसबुक के सीईओ को मैसेज भेजकर उनसे मदद मांगी है। ज्योति केरल के मल्लापुरम की रहने वाली हैं और वो इन दिनों फेसबुक पर हैशटैग मैरिट के नाम से एक अभियान चला रही हैं। इतने ही उन्होंने इसके लिए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी मैसेज भेजा है। हमेशा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन केरल की ज्योति केजी ने फेसबुक का इस्तेमाल अपने लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए किया। ज्योति केरल के मल्लापुरम के रहने वाली हैं और वो इन दिनों फेसबुक पर अपने नाम से हैशटैग चला रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को मैसेज भी किया। ज्योति ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं सिंगल हूँ, अगर आप किसी उपयुक्त व्यक्ति को जानते हैं तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि उनकी कोई मांग नहीं है, जाति और राशि का भी कोई बंधन नहीं है। आगे वो लिखती हैं कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। ज्योति अपने बारे में जानकारी देते हुए लिखती हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग में बीएससी की हैं, उनकी उम्र 28 वर्ष है। उनका भाई मुंबई में सीनियर आर्ट डायरेक्टर है और उनकी बहन सिविल इंजीनियर कर रही है। गौरतलब है कि उन्होंने ये पोस्ट मलयालम में किया। वहीं दूसरे पोस्ट में मार्क जुकरबर्ग के मैसेज का जिक्र करते हुए लिखती हैं, उन्होंने 29 अप्रैल 2018 को फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक के सहारे जीवन साथी ढूंढने में मदद के लिए मैसेज किया था। देश की राजधानी में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर ये कैसा हो गया। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली में एक मकबरा रातों रात शिवालय बन गया और उसमें भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह कि काम मार्च महीने में हुआ था, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। देश की राजधानी में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली में एक मकबरा रातों रात शिवालय बन गया और उसमें भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यह काम मार्च महीने में हुआ था, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। इतना ही नहीं, मकबरे को गेरुआ रंग से पेंट भी कर दिया गया है। वहीं इस मामले के सामने आते ही दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली है। इस बात का खुलासा जब हुआ, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को मकबरे की मरम्मत करनी थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते रातों रात मकबरे को मंदिर में तब्दील कर दिया गया। वहीं इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है, संबंधित विभाग को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे अहम सबूत जो मिले हैं वो ये हैं कि इस स्मारक के पास भगवा रंग के बेंच लगे हैं, जिस पर सफदरजंग एनक्लेव की निगम पार्षद राधिका अब्रॉल फोगाट का नाम छपा है। फोगाट ने मीडिया को बताया कि स्मारक को बिना मेरी जानकारी के मंदिर में बदल दिया गया है। शायद यह पूर्व बीजेपी काउंसिलर का नाम है और ये काम किसी का भी हो, लेकिन ये मामला हिंसा सांप्रदायिक रंग ले सकता है। बॉलीवुड की कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों किसी न किसी वजह से खबरों में बनी हुई है। हाल ही में खबर आई थी कि फराह खान के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और एक बार फिर से फराह ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। बॉलीवुड के कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों किसी न किसी वजह से खबरों में बनी हुई है। हाल ही में खबर ये आई थी कि फराह खान के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और वो सोनम कपूर का संगीत नहीं कोरियोग्राफ कर पाएंगी। और एक बार फिर से फराह खान ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में फराह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तब्बू और अनिल कपूर साथ में नजर आ रहे हैं। फराह खान ने तब्बू और अनिल कपूर का एक मस्ती भरा रोमांटिक वीडियो शेयर किया है जिसमें अनिल कपूर तब्बू के साथ अपनी फिल्म विरासत के गाने पायलिया छुन छुन की लाइन कितना मधुर है ये मिलन गुनगुना रहे हैं। इस गाने के दौरान तब्बू अनिल कपूर के चेहरे पर बिल्कुल प्यार से हाथ लगा रही हैं और बिल्कुल सट के बैठी हुई हैं। तो फराह खान कहती हैं, तेरा चेहरा ही नहीं नजर आ रहा। तो वही अनिल कपूर कह रहे हैं, मेरा मुंह मत तोड़ देना। वैसे वीडियो में फराह का सिर्फ हंसी सुनाई दे रही है क्योंकि वो कैमरे के पीछे हैं और वीडियो बना रहे हैं। बता दें, फराह खान ने जब से ये वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग अनिल कपूर और तब्बू के इस रोमांस को बेहद पसंद भी करते दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणवीर कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी खबरों में बनी हुई है।
आए दिन दोनों के साथ देखा जाता है और एक बार फिर से इन दोनों को साथ में स्पॉट किया गया है। बॉलीवुड के सबसे क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। आए दिन दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता है और एक बार फिर से इन दोनों को साथ में देखा गया है और काफी अच्छी केमिस्ट्री भी दिखाई दे रही है। जी हां, बता दें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं। पिछले दिनों ही फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग बुल्गारिया के शहर में खत्म हुई है। फिलहाल तो फिल्म की टीम मुंबई में है। बीती रात ही फिल्म की पूरी टीम एक साथ डिनर करने पहुंची। बता दें हाल ही में बैंड्रा प्लस रेस्टोरेंट में रणबीर और आलिया को देखा गया। इसके साथ ब्रह्मास्त्र के निर्माता करण जौहर और निर्देशक अयान मुखर्जी को भी इन दोनों के साथ देखा गया। इस दौरान रणबीर काले और नीले रंग के चेक शर्ट और नीले रंग की जींस में नजर आए, वहीं आलिया ग्रे रंग के फ्लोरल ड्रेस में दिखी। जानकारी के लिए बता दें ऐसा दूसरी बार है जब रणबीर और आलिया भट्ट को एक साथ डिनर करते देखा गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि कल रात डिनर के बाद जहां करण और आयान अपनी अपनी कारों में घर चले गए, वहीं आलिया और रणबीर एक ही कार से निकले। वैसे जिस तरह से ये दोनों ऑफ स्क्रीन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र में इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई देगी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।